स्ट्रक्चर लेवल ऑफ प्रोटीन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्स्ट द कंटेंट्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स बीटा प्लीटेड शीट्स बीटा टर्न्स एंड रेंडम कॉयल्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले अगर हम देखें तो जब भी कोई प्रोटीन सेल के अंदर सेंथिसाइज होती है प्रोटीन की सेल के अंदर वा रोसोम्स हो गएसोम करवाएंगे तो जो प्रोटीन का सबसे पहला स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल लीनियर चेन की फॉर्म में है तो उस लीनियर चेन को हम कहते हैं कि ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है अब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है अगर प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में ही रहेगी तो वो प्रोटीन प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती है क्योंकि उसने प्रॉपर शेप अटेन करनी है और अपने उसी शेप की वजह से वो क्या करेगी डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगी अब प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर जो है उसकी फोल्डिंग होगी प्राइमरी से जो पहला स्टेप है फोल्डिंग का वो उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में प्रोटीन की जो पोलीपेप्टाइड चेन है वो लोकली अपने आप को फोल्ड करती है लोकल फोल्डिंग का मतलब ये है कि अगर सपोज एक प्रोटीन की जो टोटल साइज़ है दैट इज़ अबाउट हंड्रेड अमाइनोएसर्स हैं तो हंड्रेड में से पहले ट्वेंटी इमायनोसर एक पैटर्न से फोल्ड हो जाएंगे अगले थर्टी इमायनोसर एक डिफरेंट पैटर्न से फोल्ड होंगे और उसके बाद आगे जो फिफ्टी इमाइनोसर्स हैं उनका फोल्डिंग पैटर्न डिफरेंट होगा यानी नहीं अमाइनो अमानोसर्स हैं लेकिन रीजन वाइज अपने अपने तौर पर वो क्या कर रहे हैं फोल्ड हो रहे हैं इसलिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली एक लोकल फोल्डिंग ऑफ पोलिप्राइज पूरी पोली चेन की इकट्ठी फोल्डिंग का नाम नहीं है ये बल्कि डिफरेंट रीजन या डिफरेंट फ्रेगमेंट्स ऑफ पोलिपेप्राइड चेन दे फोल्ड डिफरेंटली तो उसको हम क्या कहेंगे ये क्या है इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर दो मेजर टाइप्स हैं और दो माइनर टाइप्स हैं मेजर टाइप्स हमारे पास जो हैं देर इज द एल्फाइलिक्स एंड बीटा शीट्स बीटा शीट्स को बीटा प्लेटेड शीट्स भी बोलते हैं जबकि जो माइनर टाइप्स हमारे पास आएंगे वो है बीटा टर्न्स एंड रैंडम कोयल्स आपने बीटाफाइल्स लेसो बीटा शीट्स तो पहले भी पढ़े होंगे लेकिन बीटा टर्न्स और रैंडम कोयल्स को हम थोड़ा सा इसको वो अलेबोरेट करेंगे एल्फा हेलिक्स हेलिक्स कहते हैं ऐसी चीज को जो घूमती हुई किसी एक तरफ जाओ बढ़ रही होती है यानी कि जिसके अंदर एक जैसा स्प्रिंग है स्प्रिंग एक हेलिकल फॉर्म है तो एल्फा हेलिक्स के अंदर पोलीपेप्टाइड चेन जो इट अटें फॉर्म ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर एक हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म जो है वो एक स्प्रिंग की तरह यह अपने आप को क्या करती है कि जो है वो कॉइल करती है पोलीपेप्ट च और पोलीपेप्टाइड चेन का वो हिस्सा जो अपने आप को एल्फा हेलिक्स की फॉर्म में ला रहा है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है पार्ट कंसिडर होता है यानी जितने भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेंगे सबसे स्टेबल जो है वो अल्फ़ा हेलिक्स होता है एल्फा हेलिक्स के अंदर अमाइनोक्साइड एक एक्चुअली एक दूसरे से थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े होते हैं और ये फर्स्ट अमाइनो एसिड जो है इट इज़ लिंक्ड विद द फोर्थ अमाइनो एसिड पहला और चौथा अमाइनो एसिड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे इस तरह से दूसरा और पांचवा करेंगे तीसरा और छठा करेंगे तो हर अमाइनो एसिड अपने से चौथे नंबर के ऊपर जो अमाइनो एसिड मौजूद होगा उसके साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा बीटा शीट्स बीटा शीट्स आर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर पहला एल्फेलिक्स है उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हमें पोलिपेप्राइड चेन में मिलता है वो है बीटा शीट्स हैं अच्छा नाम इंडिकेट कर रहा है शीट शीट का मतलब एक चादर की तरह चीज़ है तो इसमें पोली चेन बेसिकली अपने आप को एक शीट्स के तौर पर अरेंज करती है और फिर वो दो या तीन या चार शीट्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती हैं आप चूँकि पोली चेन शीट्स बना रही है तो इसका मतलब है कि वो या तो पैरेलल होंगी या एंटी एंटी पैरेलल होंगी अगर हम यहाँ दोनों डायग्राम्स को देखें एक डायग्राम वो है जो अभी हमने बात की है अल्फा हेलिक्स की इसमें मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कार्बन यानी जो जिस पोजीशन के ऊपर एक अमाइनो एसिड मौजूद है वो अमाइनो एसिड अपने से चौथे अमाइनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो अगर हम इसको वेरी सिंपली देखें जो भी इसकी पोजीशन को हम नंबर वन अगर काउंट करते हैं वन टू थ्री एंड द फोर्थ तो जो फोर्थ पोजिशन के ऊपर पहले कार्बन का ऑक्सीजन ये ये बेसिकली ऑक्सीजन इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है और चौथे नंबर के ऊपर जो अमाइनो है उसके जो अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन है वो आपस में क्या करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे फर्स्ट फोर्थ इससे जो सेकेंड है वो अपने से आगे फिफ्थ नंबर के ऊपर जा वो चला जाएगा तो इससे हर अमाइनो मायनोसिट अपने से चौथी पोजिशन के साथ जा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा बीटा शीट्स के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बहुत करीब के अमाइनोसड के साथ नहीं है बल्कि एक लेयर के जो अमाइनोसड है वो दूसरी लेयर दूसरी शीट के जो अमानोसड्स हैं उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे अलबत्तः हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन और अमाइनो हाइड्रोजन के दरमियान होगी तो यहाँ अगर इस डायग्राम में आप देखते हैं तो ये आपके पास बड़े क्लियरली है कि किस तरह से रेड कलर में ऑक्सीजन है और वाइट कलर में हाइड्रोजन मौजूद हैं तो इस तरह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बहुत डिस्टेंट हैं और एक दूसरे के आमने सामने आकर जब वो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने को शीट लाइक पैटर्न बनाएंगे अच्छा अब बीटा शीट्स इतना कम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है या इतना स्टेबल नहीं है जितना अल्फा अल्फाइलिक्स हैं लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती हैं बीटा टर्न्स एंड रैंडम कॉयल्स एल्फा एलिक्स और बीटा शीट्स तो हम राइट फ्रॉम मैट्रिक पढ़ते आते हैं कि ये प्रोटीन जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं अच्छा तो दो बीटा शीट्स जो अगर जब आमने सामने आती हैं तो आमतौर पर एक बीटा शीट यूँ जा रही है एल्फा यानी चेन यूँ जा रही है इसमें तो टाइट टर्न लेकर दूसरी बीटा शीट बनानी है यानी दो बीटा शीट के दरमियान एक बड़ा ही टाइट टर्न मौजूद है और इस टाइट टर्न को जो तकरीबन वन एटी डिग्री सेंटीग्रेड का सॉरी वन एटी डिग्री का होता है उसको हम क्या कहते हैं बीटा टर्न का नाम देते हैं तो बीटा टर्न दो बीटा शीट्स को आमने सामने लाता है इसी तरह से प्रोटीन्स के अंदर कुछ ऐसे पोलीपैप्टाइड के रीजनस होते हैं जो ना हेलिक्स बनाते हैं ना बीटा शीट्स बनाते हैं ना बीटा टर्न्स बनाते हैं तो वो रीजन जो किसी तरह के कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं यानी बिल्कुल उनकी कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं बनती है तो उसको हम कहते हैं रैंडम कॉइल्स हैं तो ब्रांडिंग कॉल एक जनरल टर्म है जब भी कोई पॉलीपेप्टाइड चेन प्रॉपर शेप अटेन नहीं करती है तो हम इसको रैंडम क्वाइल का नाम देते हैं